रन से मैच हार गया पाकिस्तान, जो कि लग रहा था तकरीबन 150 रन से हारेगा। और पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों की वर्ल्ड कप की कैंपेन का अख्तितम हो गया। इंग्लैंड चलो फिर भी उन्होंने आखिरी मैच में बहुत अच्छा और बड़ा मैच जीता है। पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप से भी घटिया क्रिकेट खेली है। ये बात नहीं करनी चाहिए, तो फिर प्लेयर्स जाए तो जाए कहाँ पे, चाहे वो चीफ सिलेक्टर हो चाहे प्लेयर्स हो, वो उसकी क्लैरिटी कौन देगा? आज कोई ना नेपाल जाएगा, ना कोई श्रीलंका जाएगा, ना कोई एंजेलो मैथ्यूज को बाप भाई बहनों ही बनाएगा। देखो तुम्हारा तो, और ना कोई अब कोई और बात करके पीछे छुपेगा व्हाट इज हैपनिंग, ना कोई ये ख्वाब देख के पीछे छुपेगा के इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाएगी। अबे कोई 100 विकेट ले लेगा, क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स हैं ऑल द वे फ्रॉम बाबर टू शाहीन टू रिजवान व्हाटसोएवर सवेरा, हर किसी ने इस टीम को डिसअपॉइंट किया, अपने फैंस को। और पिछले वर्ल्ड कप में भी जाहिर है कि हम सेमीफाइनल में क्वालीफाई नहीं किया था, टॉप फोर में नहीं पहुंच सके थे, पांचवें नंबर पर फिनिश किया। आज भी एट वन स्टेज दे वर अबाउट टू गेट ऑल आउट बिफोर 188 रन। अरे जो बाबर कर रहा है, कहीं पे भी हक दिया कहीं पे भी हक लिया, मतलब उसका तो मसला ही नहीं है यार। कोई जहां दिल चाहता है अफगानिस्तान मिली हक लिया, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका मिली हक दिया, सिलसिला खत्म होता है। पाकिस्तान टीम का प्ले प्राइड जीते, अच्छी उस पे एंड करें, ऑन अ विनिंग नोट एंड करें, सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। 93 रन से यहाँ पाकिस्तान को शिकस्त हुई। इंग्लैंड वो टीम जो कि कहीं भी किसी को चैलेंज नहीं कर सकी। मतलब यार कमाल हो गया, तुम्हारे हगी खत्म नहीं हो रहे, हगक के तुमने इस वर्ल्ड कप के अंदर बर्बादी कर। ये जो टारगेट हमें मिला था, ये हमने 6 ओवर में चेज करना था, ये तो हमारी नस्लें भी आने वाली जो है 6 ओवरों में 340 चेज नहीं कर सकती। मैं तो हम टास्क भी हार गए थे, लेकिन यार बड़े ही मैं कह लूँगे अफसोस की बात है और शर्म की बात। जय हिंद दोस्तों। भाई कहाँ गए वो पाकिस्तान के नमूने जो बोलते थे कि हम वर्ल्ड कप लेकर जाएंगे, है भाई कहाँ गए? उनके गांव में कोई क्या कोई दिवाली का पटाखा, जो पटाखा होता है वो पुश करके, हाँ बाबा राजम ये करेगा, बाबा राजम वो करेगा, भाई तुम्हारी एकड़ी कहाँ गई है? अब इनको क्या है कि इंडिया ने ये निर्णय लिया है कि 10-10 किलो इनको जाते वक्त आटा दिया जाए, क्योंकि अब वर्ल्ड कप से तो बाहर हो ही गई है टीम, और ये इंडिया को हराने की बात कर रहे थे भाई। अब इंडिया ने इनको 10-10 किलो आटा दिया है ताकि ये 10-15 दिन अपने देश में जाकर भूखे ना मरे। इनको आटा है वो बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार ट्रॉफी मिली है इनको, 10-10 किलो आटा, ताकि 10-15 दिन ये 10-10 किलो आटे से खाने से काम चला सके, कहीं ऐसा ना हो सदमे में जाकर वहां पाकिस्तान में ये भूखे मरने लग जाए। खैर नेक्स्ट आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए। हार जाएगी तो न्यूजीलैंड को अच्छा खेलना पड़ेगा। अपनी बात करो क्रिकेट में, तुमने मुल्क को कौम को वो लोग बाहर आ जाए जिन्होंने 31 अगस्त को कहा था पाकिस्तान लुक्स फार मोर बेटर देन रोहित 11। अच्छा रोहित 11 पहली बात है, ऑन पेपर कह रहे थे पाकिस्तान स्ट्रांग है। अगर किसी गधेड़े स्टैटिस्टिशियन को ये शौक हो गया कि चलो मैं मैथ जो है वो तज्जिया भी कर लूं, तो भाई करो, तुम्हारा भी राइट है, लेकिन किसी से पूछ ही लो कि क्रिकेट बताते कैसे हैं, मैं तो अदद बदद देख लेता हूँ। नहीं, जैसे मिकी आर्थर ऑनलाइन सिखा रहे हैं ना क्रिकेट, वैसे ही स्पेस पे क्रिकेट सिखा रहे होते। अब निकला तुम्हारी ऐसी बताना पड़ता है, कंडीशन बतानी पड़ती है, ये वाली बच्चोदियां नहीं चलती के शामी को कौन सी बॉल दे दिया, उसका हाथ दिखाओ, अगर तुम्हें क्रिकेट आती है तो उसका हाथ दिखाओ कि वो इन स्विंग और आउट स्विंग कर रहा है, तो उसकी एल्बो और रिस्ट पोजीशन में फर्क क्या है ये बताओ। शायद तुम्हारा तज्जिया किसी के कान में पड़े तो कोई और सीखने की कोशिश कर ले। तो बल्ले को स्टिकर से पकड़ते हो, हम बल्ले को उसके हैंडल से। हमारी तमाम तर उम्मीदों पर पानी फिर गया जब इंग्लैंड ने हमें 337 का टारगेट दिया। देखें मैच तो हम वहीं पर गए थे जहाँ पे इंग्लैंड टॉस जीता था, क्योंकि आप देखें ना ये जो टारगेट हमें मिला था, ये हमने 6 ओवर में चेज करना था, ये तो हमारी नस्लें भी आने वाली जो है 6 ओवरों में 340 चेज नहीं कर सकती। मैं तो हम टॉस भी हार गए थे, लेकिन यार बड़े ही मैं कह लूँगे अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि 2019 से भी हमने कुछ नहीं सीखा, कि तब भी हम 100 से बाहर हुए थे, आज भी हम 100 से बाहर हो रहे हैं। अपनी परफॉर्मेंस की तरफ नहीं हम देख रहे, अगर मगर वाला काम जो है हमारे सदियों से हमारे गोड़ों गिट्टों में बैठा हुआ है कि यार कुदरत का निज़ाम चलाया जाएगा तो जीते जाएंगे, वरना हमने खुद परफॉर्मेंस नहीं करनी। 2019 में भी हमारी टीम ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं की, वहाँ पर भी हम जाते साथ वेस्ट इंडीज़ से हार गए, इस दफ़ा हम साउथ अफ्रीका से हार गए, अफगानिस्तान हमसे अच्छी क्रिकेट खेला इस वर्ल्ड कप में, मेरे हिसाब से वो डिज़र्व करता था सेमीफाइनल में जाना, वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेला है। आप अगर बात करें ना हमारी टीम की, मेरे से अगर आप पूछें तो मैं तो चाहता ही नहीं था कि ये लोग चले भी जाएँ, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करते। ये वर्ल्ड कप जो होता है उन 10 टीमों के दरमियान होता है जो टॉप ऑफ द टेबल रहती है। अब इंडिया ने अपना आप मनवाया, साउथ अफ्रीका ने मनवाया, ऑस्ट्रेलिया जैसे आते साथ 2 मैच हारी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस दफा सेमीफाइनल की क्वालिफाई भी नहीं करेगी, उसके बाद उसने कैसा फैंडल लगाया सारी टीमों को। ये होती हैं बड़ी टीमें,
जिनको पता होता है कि हमने अपने वतन के लिए खेलना है, हमने ये चार साल पूरी तैयारी करके आना है वर्ल्ड कप के लिए। इंडिया ने तैयारी तभी पकड़ ली थी जब वो न्यूजीलैंड से हारे थे, जब एमएस धोनी का रन आउट हुआ था, तब से उन्होंने तैयारी पकड़ी थी कि 2023 का वर्ल्ड कप हमने हाथ से नहीं जाने देना। उनकी तैयारी नजर आ रही है, हमारी तैयारी किधर है? हमें पता ही नहीं चलता कि हमने स्क्वाड क्या खिलाना है। सिर्फ हमारा सोशल मीडिया जो हमारी टीम को नंबर वन बना देता है, हम अपने आप में नंबर वन बन के बैठे होते हैं, उधर जाके शॉपिंगें कर रहे होते हैं, बिरयानियाँ खा रहे होते हैं, और इधर हम मतलब कितनी शर्म की बात है। आप हिसाब लगाएं, चार टीमें थी जिनको हम गिन सकते थे कि यार इनसे तो हमने जीतना ही जीतना है, नेदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हम हार गए। हमें दो मैच, अब देखिए ना, प्री वर्क इसको ही कहते हैं, प्री प्लान इसको ही कहते हैं, दो मैच हमने किसी तरीके से बड़ी टीमों से जीतने थे। इंडिया से तो हम सदियों से नहीं जीते, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन तीन टीमों में से अगर हम दो से भी जीत जाते हमारा रास्ता तो सीधा था। दोस्तों ये तो था हमारा आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अरे भाई इनको क्रिकेट खेलना किन लोगों ने सिखा दिया भाई। ये पाकिस्तानी टीम तो मतलब गई गुजरी निकली, वर्ल्ड कप फाइनल में जाएंगे, ये करेंगे, ढीगड़ा पूजड़ा पलाना इनसे कुछ नहीं हुआ, और 10 किलो आटा ट्रॉफी के नाम पर 10 किलो आटा लेकर रवाना हो गए। खैर ये तो हमारा आज का वीडियो, वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसी वीडियोस लेके आता रहता है। तो खैर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।